What's up? नहा के बात करता हूं मैं, रुको। So good afternoon everybody। जो लोग ये बोलते रहते हैं ना कि ब्लॉग्स नहीं आ रहे या वीडियोस नहीं आ रहे, लेट क्यों हो रहे हो, उसका एक बहुत बड़ा रीजन है। मैंने सोचा कि यार मेरा शो भी है और मैं अभी क्लासेस लेके आया हूँ। जब मेरी हालत जो आपने देखी थी ना इससे पहले, मैं 11 बजे से सुबह क्लासेस ले रहा था क्योंकि सबके एग्जाम्स खत्म हो गए हैं और मेरे काफी स्टूडेंट्स जो पैसे सीखते हैं उनकी क्लास लेके मैं अभी आया हूँ। और अभी हो रहा है 3:30, मैं 3 o'clock आया था। मैं फ्रेशर फ्रेशर अप हुआ, नहाया वाया, ड्रम्स मैंने गाड़ी में रखे हैं, अभी थोड़े से ये बचे हैं, ये रखे हुए हैं, ये वाले, एक ये है और एक ये बेस ड्रम, ये रखा हुआ, ये जो ड्रम्स है ये मेरे स्टूडेंट्स के हैं, दिस इज फॉर सेल, तो ये अभी ही रखे हुए हैं। और ये मेरे ड्रम्स है, बाकी ड्रम्स मेरी गाड़ी में है, लेट मी शो यू। ये देखो हार्डवेयर, टॉम स्नेयर वगैरह सब ऐसा रखा हुआ है यहीं पे। तो सुबह से मेरा स्केड्यूल ऐसे ही रहता है, मैं दिन भर से मतलब मैंने क्लासेस करी, फिर मैं आया, नहाया, ड्रम्स रखे, और ये वाले पार्ट मैंने ऐसे निकाले क्योंकि यार ये थोड़े से मेन पार्ट्स हैं। अगर ये कार के अंदर मैं रख दूं ना रात से ही, तो इसमें क्या होता है, ये वुड खराब होने के चांसेस हैं, स्किन डैमेज होने के चांसेस हैं, क्योंकि कार के अंदर बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो जाती है जब गाड़ी पूरे टाइम देखो धूप में खड़ी है, तो वो थोड़ा सा तो गाड़ी पूरे तरह उसमें हीट हो जाती है, तो ये थोड़ा सा मुझे ध्यान रखना पड़ता है, तो मुझे बार बार उसको निकालना पड़ता है। स्टूडियो पूरा खाली पड़ा है क्योंकि कंटिन्यू शोज चल रहे हैं और हर ऑल्टरनेट डे शोज चल रहे हैं, और जिसमें मैंने सुबह से सिर्फ 2 कॉफ़ी पिए, जिनके घर मैं जाता हूँ उन्होंने कॉफ़ी सर्व करी थी, मैं सिर्फ 2 कॉफ़ी पिए और उसके बाद मैंने अभी तक खाना कुछ नहीं खाया। तो अब मैं जा रहा हूँ खाना खाने, फिर मेरे को सिद्धार्थ को भी उठाना है और मुझे वेन्यू पहुँचना है। तो वेन्यू भोपाल में शो नहीं है, बाहर है, तो ऑलमोस्ट सीओर में है, तो यहाँ से जाने में एटलीस्ट 1 आवर लगता है। तो अभी मैं जाऊँगा, सिद्धार्थ को भी उठाना है, खाना भी खाना है, और मैं आपको बताऊँगा कि ड्रमर की जर्नी, मतलब मेरी जर्नी एग्जैक्टली है कैसी है, डे वेज में मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे मैं सारी चीज़ मैनेज करता हूँ, क्योंकि आप लोगों को बहुत क्वेश्चन रहते हैं ना कि वीडियोस क्यों नहीं आ रहे, आपको बताऊँ कितना स्केड्यूल मेरा पैक रहता है। तो आई मैं जा रहा हूँ खाना खाने और फिर मुझे सिद्धार्थ को भी उठाना है, फिर हम आगे बात करते हैं। सिद्धार्थ भाई किधर हो? अरे मैं तो तैयार बैठा हूँ सर, 1 घंटा हो गया तैयार बैठे, तो बस मैं आ रहा हूँ आपको लेने। अरे वेलकम वेलकम सर, हेलो कर दीजिए हमारी ऑडियंस को सर, आपने भी ऑडियंस है सर। तो जिनको नहीं पता, मैं आप लोगों को बता दूं कि जब मेरा चैनल स्टार्ट हो रहा था और जब मैं वीडियोस में शूट कर रहा था, तो सिद्धार्थ है जिसने मेरे वीडियो शूट किए हैं। सिद्धार्थ उस चीज के लिए आपको थैंक यू सो मच, और सिद्धार्थ ने ही कम से कम नहीं तो मेरे 20 to 25 वीडियो शूट करे, आई थिंक उससे ज्यादा करे तूने, है ना, उतने वीडियो शूट करे। सिद्धार्थ को मैं फोन करता था, सिद्धार्थ आ जाता था, तो सिद्धार्थ का भी कॉन्ट्रीब्यूशन है उस चैनल में। तो सिद्धार्थ थैंक यू सो मच, आपने शूट किया है। अब हम अभी जा रहे हैं वापस घर, तो बेस ड्रम और फ्लो ड्रम रखना है और उसके बाद वेन्यू पे जाना है। चलो मिलते हैं। चलो मैं आपको बता दूं कि मैंने सब क्यों लगाया।
ये एक्चुअली क्या, मैं ओरिंग्स लाना भूल गया था ड्रम्स की, वो आपको घर में बता दूंगा कि क्या होती है वो, तो मैं ओरिंग्स लाना भूल गया था। तो ये डैम्पर्स है जो काम कर सकते हैं। तो आपने, मैंने कुछ नहीं किया, एक मैंने टेप लिया है डॉक्टर्स टेप और ये टिश्यू पेपर के साथ मैंने उसको डैम कर दिया, तो क्या आवाज़ गूंज नहीं रही है, तो ये सही है। तो मेरा सब में स्क्रीन में एक्चुअली ओरिंग सारी भूल गया, तो ये मैंने सब डैम कर रखा है, तो उससे क्या होता है कि टोन ज़्यादा यू नो फैलता नहीं है, वो चीज़ है। कुछ बोल रहे हैं आप? नहीं। कोई बोलना चाहते हैं आप? बोल लीजिए आप, नहीं, नहीं, नहीं। आप ही बोल लीजिए, गाना गा दो आप। नहीं, नहीं, नहीं। तो ये तो ये आज का हमारा थोड़ा सेटअप है, तो हम आज परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे। इतना ईजी नहीं है वीडियोज बनाना, काम धुल जाते हैं, काले पीले हो रहे हैं, तो ये ऐसा कुछ है जो आपको बनाना करना पड़ता है। तो ये सब जुगाड़े हैं, तो मैं लाइव शोज की कोई रिकॉर्डिंग आपको दिखा दूंगा, मैं तो तैयार हो गया रहा हूँ। सारे संसार का प्यार मैंने तुझे में पाया, और जीने को क्या चाहिए, और जीने को क्या चाहिए। बहुत लेट हो गया है, अभी 2:30 बज रहा है, तो मैं जस्ट अभी मैंने ख़त्म किया, मैं जा रहा हूँ घर, तो मुझे 3:30 लग जाएगा, 1 घंटा लग जाएगा घर जाने में। सो मैं अपनी टीम से मिलवाता हूँ कि जिनके साथ मैंने परफॉर्म किया है, तो एक मेरा भाई और मेरा वोकलिस्ट, दिस इज अरिंदम सिन्हा, इसका लिंक मैं इंस्टाग्राम पर नीचे ऊपर डाल दूंगा। तो ये वन मैन शोज भी है और ये ग्रुप में मैं अभी बेसिकली मैं इसके साथ ही कर रहा हूँ, मैं इसके साथ विवेक के साथ। तो अगर आपको कॉन्टैक्ट करना है शोज के लिए तो आप इसको कर सकते हो, भाई को इसका लिंक मैं डाल दूंगा डायरेक्ट। आग लगाई आज हमने, आग लग गई आज। दिस इज अविनाश, ही इज फ्रॉम दिल्ली और ये लीड गिटारिस्ट है, बहुत फाड़। हाँ मतलब भोपाल के दिल्ली में था भाई, अब हम मैं दिल्ली आने वाले। हाँ। तो ये अविनाश है, तो ये बहुत अच्छा लीड गिटारिस्ट है, ऐसा करके गिरा दो मुझे। टेनिसन वहां है, पता नहीं क्या कर रहे हैं। टेनिसन हेलो कर दो।
तो फाइनली आ गया ये, लो मिल लो। हेलो गाइस, दिस इज टेनिशन और ये बहुत अच्छा कीबोर्ड प्लेयर है और बहुत अच्छा कंपोजर है, गाने वाने लिखता भी है, गाता भी है। मैं सबके ना लिंक अभी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन पे। तो ये और दोस्त हु डोंट नो, आई स्टार्टेड ड्रमिंग बिकॉज़ आई सॉ हिम प्ले। अरे यार कहां लगा है तू यार, छोड़ ना यार, ऐसा नहीं है। नहीं नहीं वो ऐसे ही है। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग्स में। और ये है जो इतनी मेरी हालत खराब रहती है ना, इसलिए वीडियोस नहीं आ पाते। चलो सीधा मिलते हैं, बाय नेक्स्ट वीडियो, बाय सीधा। I told her to come closer, she need to make me want it. Think how she ride up on it. Oh, she get wet like the ocean, just like the Oceana. She not no Tatiana.